ये आप मार्केट देख सकते हो, कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, एसेसरीज, फिर किचन वेयर, ये सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सेकंड हैंड में आपको मिल जाएगा। ये जो सारे कपड़े यहाँ पे, वो 10-10 बाट के कपड़े मिल रहे हैं। देखो 10 बाट में कपड़े मिल रहे हैं, और वो भी बैंकॉक में। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे जीन्स जो है वो 100-100 बाट में मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो सारी चीजें जो है वो 5 बाट में मिल रही है। यहाँ से आप कुछ भी लो तो आपको 5 बाट ही देना पड़ेगा पर पीस। फिर 10 बाट, 20 बाट, 50 बाट, 20 बाट, 25 बाट, ऐसे सारी प्राइस में यहाँ पे क्लोथ्स मिलते हैं। सारे जूते जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये प्रोफेशनल शूज देखो आप 100-100 बाट में मिल रहे हैं। तो सब ब्रांड के परफ्यूम जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। लेडीज़ का कॉस्मेटिक का सामान जो है वो 10-10 बाट में मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसे विंटेज चीज़ों का कलेक्शन करना अच्छा लगता है तो ऐसी सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो 800 बाट में यहाँ पे आईपॉड बिक रहा है। तो अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक, और स्वागत है आपका बैंकॉक के सबसे बड़े सेकंड हैंड मार्केट में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा सेकंड हैंड मार्केट है, और यहां पे सारी जो चीज़ है वो सेकंड हैंड चीज़ें मिलती है, और ये काफ़ी चीप प्राइस में मिलती है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं ये सेकंड हैंड मार्केट को। ये जो मार्केट है वो बैंकॉक का सबसे बड़ा सेकंड हैंड मार्केट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो अगर आपको बैंकॉक में कभी आओ और अगर आपको ये सेकंड हैंड मार्केट जो है वो विजिट करना है, तो ये मार्केट की जो लोकेशन की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये मार्केट का जो नाम है वो पतावी कौन मार्केट है, और ये मार्केट जो है वो बैंकॉक से अराउंड 30-35 किलोमीटर दूर आया हुआ है। ये आप मार्केट देख सकते हो, कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, एसेसरीज, फिर किचन वेयर, ये सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सेकंड हैंड में आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जूते बेच रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है। पूछते हैं जूते कितने के। पियानी सीफा थोड़ा है ना, सीलो हाँ सच में। ये जूते का 450 बोल रहा है, 450 बाट देना वर्थ नहीं है सेकंड हैंड में। तो देखते हैं कहीं और जूते वगैरह मिलते हैं तो प्राइस वगैरह पूछते हैं। देखो ये, देखो ये जो सारे कपड़े यहाँ पे, वो 10-10 बाट के कपड़े मिल रहे हैं, और ये पूरे ऐसे ढगले में रखे हुए कपड़े। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको यहाँ से लेना है। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे ले भी रहे हैं 10-10 बाट में कपड़े, और क्या चाहिए बोलो। ये देखो ये शर्ट वगैरह है, इधर से आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर अच्छा मिलता है तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो 10 बाट में कपड़े मिल रहे हैं, और वो भी बैंकॉक में। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? मज़े ही मज़े है भाई बैंकॉक में। कपड़े वपड़े पे खर्चा करना है तो ऐसे सेकंड हैंड कपड़े पे खर्चा करो, यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे ये सारे आपको जैकेट वगैरह दिख रहे हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह के जैकेट आते हैं, प्रोफेशनल मोटरसाइकिलिंग जो करते हैं वो लोग ऐसे जैकेट वगैरह पहनते हैं। ये सब 50-50 बाट में मिल रहे हैं। ये देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे ये टी शर्ट वगैरह मिल रहे हैं 50-50 बाट के। कोई कोई टी शर्ट की कंडीशन अच्छी है, बाकी तो सब सेकंड हैंड के हिसाब से है, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी इसकी। जितना प्राइस दोगे उतनी क्वालिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे 10-20 बाट या तो 50 बाट के कपड़े, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर 100-150 तक रहेगा तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी रहेगी, बाकी तो ये पूरा सेकंड हैंड के हिसाब से ही है। तो सेकंड हैंड अगर आप ढूंढ रहे हो कपड़े या तो कोई अदर स्टफ, तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे जीन्स जो है वो 100-100 बाट में मिल रहा है। तो अगर आपको ये जीन्स वगैरह कुछ ऐसा लेना है तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे लड़कियों के कपड़े 20-20 बाट में मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे 20-30-50, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 200 बाट के ऊपर नहीं दिखेगी यहाँ पे चीज़ें। ये देख सकते हैं आप 40 बाट, 3 लोगे तो 100 बाट, तो ऐसी सारी चीप प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लेने के लिए भी आते हैं, देख सकते हो यहाँ पे भीड़ कितनी भीड़ है। तो काफ़ी सारे लोग ये कपड़े यहाँ से खरीद के पहनते भी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इधर के कपड़े जो है वो एकदम ही ख़राब आते हैं, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है क्वालिटी वगैरह में तो आपका नसीब, क्योंकि यहाँ पे जो है ढूंढना काफ़ी पड़ता है। ये देखो इसमें से ऐसा ही लगेगा कि सारे कपड़े जो है वो बेकार ही है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर अंदर से ढूंढोगे तो आपको
कुछ ना कुछ अपने लायक चीज तो मिल ही जाएगी। देखो ये आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे कपड़े इन लोगों ने डगले करके पहाड़ बना के रखे हुए हैं, तो इसमें से चुनना पड़ेगा। और ये चुनना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे लाइन में जो है वो काफ़ी सारे इधर ऐसी शॉप आई हुई है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली कपड़े ही देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग कपड़े वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको सारे कपड़े ही दिखेंगे। ये देखो, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो है वो 5 बाट में मिल रही है। तो यहाँ से आप कुछ भी लो तो आपको 5 बाट ही देना पड़ेगा पर पीस। तो अगर आपको यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है तो 5 बाट में आपका काम हो जाएगा। इधर बेसिकली क्या है, जो अपने इंडिया में कैसे वो भंगार में सारी चीज़ें निकाल देते, तो जो भी लोग भंगार वगैरह में चीज़ें निकाल देते, जो कपड़े रहते और जिसको पहनना नहीं रहता वो निकाल देते, और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह जो रहती है थोड़ी बहुत बिगड़ गई हुई रहती है या तो फिर नहीं चाहिए होती, तो वो लोग जो है दूसरे लोगों को दे देते या तो फिर कबाड़ी वाले को दे देते। तो वो सारी चीज़ें जो है वो लोग यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। तो ये सारे लोग वैसी चीज़ें बेचते हैं यहाँ पे, और सेकंड हैंड चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे नई चीज़ें भी मिलती है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, काफ़ी सारे सेलर ऐसे हैं कि जो सिर्फ नई चीज़ें ही बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेकंड हैंड ही मिलती है। देखो ऐसे फर वाले जो जैकेट वगैरह है वो 100 बाट में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर ये सब ठीक है, अगर आपको एक दिन के लिए पहनना है और फोटोशूट वगैरह के लिए पहनना है, तो इधर से आके पहन के फ़ोटो वगैरह खींच के फिर आप उसको फेंक सकते हो। तो उस हिसाब से ही, बाकी मेरे को तो सेकंड हैंड का इतना ही जमता नहीं, क्योंकि क्वालिटी फिर उसके हिसाब से ही रहती है। किसी ने पहना हुआ रहता है कपड़ा तो क्या है कि इतना अच्छा नहीं रहता। ये देखो ये सारी चीज़ें जो है वो सेकंड हैंड में मिल रही है। देखो यहाँ पे 20-20 बाट में बेल्ट और कैप वगैरह मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे लेडीज़ के सब ऐसे कपड़े 55-55 बाट में मिल रहे हैं। ये देखो, तो ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो एकदम सस्ते चीप प्राइस में मिल जाएगा। इससे चीपर आपको यहाँ बैंकॉक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसे इमिटेशन ज्वेलरी ब्रेसलेट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मार्केट में जो है वो सेकंड हैंड के साथ साथ आपको नई चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। तो ये शूज़ जो आप देख रहे हो वो पूरे नए ही हैं। तो ये 59 हाई बाट के मिल रहे हैं। देखो ये सारे जो जूते आप देख रहे हो ये सेकंड हैंड नहीं है, ये फर्स्ट हैंड ही है। ये देख सकते हो सारे जूते जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड ही मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट हैंड भी आपको अच्छी कंडीशन में भी मिल जाएगा। ये शूज़ देखो, इतना लंबा शूज़ कौन पहनता होगा भाई। देखो ये जो शॉप है यहाँ पे सेकंड हैंड बैग्स मिल रहे हैं, ये सारे सेकंड हैंड बैग्स है। बैग के साथ साथ यहाँ पे आपको ऐसे ट्रॉली बैग वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो ये पूरी शॉप है उसकी। उसके साथ साथ ये स्कूल बैग वगैरह भी यहाँ पे बेच रहे हैं। देखो तो ये पूरा जो मार्केट आप देख रहे हो यहाँ पे कपड़े शूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें ही मिलती है। तो हमने ये सारा तो एक्सप्लोर कर दिया, यहाँ पे कपड़े के अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन इसके बाजू में दूसरा जो शेड है उधर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिलती है। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। तो तुम्हारे भाई को भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ पर जो है पूरा फूड कोर्ट भी आया हुआ है, तो अगर आपको भूख वगैरह लगती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह भी है, तो आप यहाँ पर ईजिली जो है वो खाना खा सकते हो। देखो ये वाली जो शॉप है इसमें काफ़ी कलेक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है और नया भी लग रहा है। तो देखते अंदर क्या क्या मिलता है। देखो ये सामने ही आप देख सकते हो, ये जो टी शर्ट वगैरह है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। लेडीज़ और जेंट्स का सबका साथ में मिल रहा है, भी काफ़ी अच्छी शॉप है। क्वालिटी वो बाहर जो था उससे तो काफ़ी बेटर है। देखते हैं इसमें से कुछ पसंद आता है तो। देख वाइट वाला इधर है, तेरे को लेना है वो तो। ऐसा लेना है क्या? ऐसा नहीं है, इस टाइप का चाहिए। अच्छा ऐसा चाहिए क्या? सिंगल वाला, सिंगल कलर में, ये थोड़ा डिज़ाइन वाला है ये ना, ये रहा ना? ये तो मैंने मॉल में से लिया था उस पर, ऐसी क्वालिटी देखते हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये थोड़ा कॉटन का कपड़ा है, कपड़ा इतना मज़ा नहीं है। देखो यहाँ पे पूरे लेडीज़ के कपड़े मिल रहे हैं और वो भी अच्छी की अच्छी कंडीशन में। देखो सारी यहाँ पे लेडीज़ ही दिखेगी, अपने को तो लेडीज़ के कपड़े में उतना
पता नहीं चलता, मेरी वाइफ को दी तो आपको थोड़ा ज्ञान दे देती, बाकी मेरे को इतना लेडीज के कपड़े में पता नहीं है, तो इसलिए ये लेडीज का डिपार्टमेंट स्किप करते सिर्फ आपको ऊपर का ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखो ये 50-50 बात में यहाँ पे ये स्कर्ट वगैरह मिल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे को नाम नहीं पता कि भाई क्या क्या बोलते हैं लेडीज़ के सारे कपड़े को, अलग अलग काफ़ी तरीके के नाम रहते हैं, मेरे को तो याद ही नहीं रहते। यहाँ कपड़ा वपड़ा सही है 50 बाट में, तो ऐसा कुछ लेना है तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड हैंड का मतलब ये नहीं कि सेकंड हैंड चीज़ें ही मिलती, इधर थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड, पता नहीं कितने कितने हैंड वाले कपड़े मिलते, क्योंकि 5 बाट में कपड़े बेच रहे हैं तो कितने पुराने हो गए वो कपड़े, इसलिए तो 5 बाट में बेच रहे हैं। ये देखो ये पूरी पर्स की शॉप है, ये भी 40-40 बाट में सब पर्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ भी लो 40 बाट, और क्या चाहिए बोलो। लड़कियों के लिए तो ये जगह जो है वो जन्नत है, इधर ही घूमती रहेगी अगर लेके आओगे तो। इसके अंदर ही एक काफ़ी सारी शॉप आई हुई है गली गली में, तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक शॉप ख़त्म होती है उसके बाद उसकी गली के अंदर दूसरी शॉप होती है, तो काफ़ी सारी ऐसी यहाँ पे शॉप आई हुई, देखो ऐसी सब शॉप है, तो इसके पीछे भी जाओगे तो इसके पीछे भी आपको दूसरी जो है वो शॉप देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पे पुराने पुराने मूवी की सब सीडी वगैरह भी मिल रही है, तो ये जो गेमिंग की सीडी भी मिल रही है कॉल ऑफ ड्यूटी PS3 की, तो ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हो विंटेज चीज़ें तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो इधर ये जो पैंट देख रहे हो ना, ये इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही है 100 बाट में, 100 बाट के हिसाब से, बाकी ये जो पैंट है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। ये पूरी शॉप है वो जेंट्स के पैंट जीन्स वगैरह जो रहता है उसकी है, तो इसमें आपके नसीब के ऊपर है, आपको अच्छी चीज़ मिल गई तो आप ले सकते हो, लेकिन वो भी ढूंढना एक काफ़ी हेडेक वाला काम है, मिल गया तो आपका नसीब, नहीं मिला तो फिर मॉल वगैरह तो नहीं, उधर से आप शॉपिंग कर सकते हो। ऐसे अपने इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐसी मार्केट आई हुई रहती है, मेरे को याद आ रहा है मैं जब छोटा था तो ऐसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, तो देखते थे कि अगर ऐसे मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो कि हम लोग टेम्पररी रेगुलर यूज़ में यूज़ कर सके, तो वो यूज़ कर लेता था। मेरे को कोई ऐसी शर्म नहीं थी जब ही छोटा था, तभी छोटा मतलब कितना, जब 12th तक पढ़ते थे तब तक मैं जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करता था, उसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। अगर आपकी कंडीशन नहीं है तो फिर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करने में शर्म मत रखा करो, जो है वो है, उसमें क्या है, सही है ना। अभी थोड़ी कंडीशन अच्छी हुई है तो अभी मॉल वगैरह में से कपड़े लेते हैं, नहीं तो अभी नहीं होती तो अभी भी हम लोग यहाँ से लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी कंडीशन के हिसाब से जो है वो रहना चाहिए, वैसा तो आज है कल नहीं है। यहाँ पे आप देखो सब ब्रांड के परफ्यूम जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग ब्रांड के परफ्यूम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे आपको टॉयज़ भी देखने को मिल जाएंगे बच्चों के लिए, जो पुराने टॉयज़ रहते थे जो कि हम लोग सब खेलते थे वैसे वैसे वाले टॉयज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो ये फिलिप्स का स्पीकर देखो, पता नहीं कितना पुराना होगा, सारे यहाँ पे स्पीकर वगैरह बेच रहे हैं चचा जी बोल रहे हैं कि पूछ सकते आपको कुछ लेना है तो इसमें से, कुछ नहीं लेना है चचा जी, हम लोग तो सिर्फ देखने के लिए आए हैं। देखो यहाँ पे लेडीज़ का कॉस्मेटिक का सामान जो है वो 10-10 बाट में मिल रहा है, इधर ये 20 बाट का है, ये सब चीज़ें जो है 10-20 बाट में ही मिल रही है, तो ऐसा कुछ लेना है तो आप देख लो अपने हिसाब से। देखो ये जो लड़की है वो यहाँ पे 10-10 बाट की नेल पॉलिश जो है वो सिलेक्ट कर रही है, तो ये लोग भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेकंड हैंड है तो थाई लोग नहीं लेते, ये लोग भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेती ही है, देखो है ना। देखो ये जो एक मैंने मार्केट आपको दिखाया सारे कपड़े वगैरह मिल रहे थे वो तो ये वाला पूरा मार्केट है, अभी जो है वो दूसरा मार्केट इसके थोड़े आगे आया हुआ है, बीच में पेट्रोल पंप है, उसके बाद जो है वो एक मार्केट आया हुआ है, वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह ज़्यादा बिकती है, तो अभी जो है हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। वैसे यहाँ पे तो जो है वो कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, फिर एसेसरीज हो गए, ऐसी सारी चीज़ें मिल रही थी,
तो यहाँ पे आप जैसे ही दूसरे मार्केट में भी जाओगे तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रीट पे लोग आपको बिकते हुए दिख जाएंगे, तो वो लोग भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बेचते रहते हैं। देखो रास्ते में ऐसे टिश्यू टावल वगैरह बेचते रहते हैं लोग, 50 बार 10 बार ऐसी सब प्राइस में बेचते रहते हैं ये सब। देखो एसेसरी सॉक्स वगैरह हो गया 50 बाट की 3 पैर, तो ये सब सॉक्स वगैरह मिला। ये सारी जो चीज़ें वो नहीं है, कुछ सेकंड हैंड थर्ड हैंड नहीं है, ये पूरा नया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ नई चीज़ें भी लेनी है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपने थाईलैंड विजिट किया होगा तो आपको मालूम ही रहेगा कि यहाँ पे काफ़ी धूप रहती है, तो अभी भी धूप है। तो आप मेरा हाल देख भी सकते हो, पसीने से पूरा तर बतर हो गए है, लेकिन क्या करें, आपके लिए वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सपोर्ट कीजिए हमारी चैनल को, और जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो है वो मैं रील्स डालता रहता हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको नीचे शो हो रहा होगा। जल्दी से जाइए और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए। तो ये हम दूसरे मार्केट में पहुँच गए हैं, वहाँ से थोड़ा सा ही चल के आते हैं तो यहाँ पे ये दूसरा मार्केट आ जाता है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में तो क्लोथ्स ही दिख रहे हैं, अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्लोथ्स के अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। और देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग तो क्लोथ से ही होता है, और ज़्यादातर जो है वो लड़कियों के क्लोथ्स ही मिल रहे हैं, लड़कों की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि लड़कों के कपड़े जो है वो इतने यहाँ पे देखने को नहीं मिलते जितने की लड़कियों के मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको ऐसा टेडी बियर वगैरह भी सब मिल जाएगा, कुत्ता है तो टेडी बियर नहीं है। देखो ये मॉडलें भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये जो पूरी शॉप है यहाँ पे शॉप पीस वगैरह बिक रहा है जो कि सेकंड हैंड में है, तो ऐसा शॉप पीस वगैरह आपको कुछ चाहिए डेकोरेशन के लिए तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देख सकते हो सारे शॉप पीस मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होते हैं। ये जो आप शॉप दिख रहे हो यहाँ पे जो है वो पेंटिंग वगैरह बिक रही है। अगर आपको अपने घर पे कुछ ऐसी पेंटिंग वगैरह लगाने का शौक है तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी प्रोफेशनल पेंटर रहते हैं उन लोगों ने पेंटिंग बनाई हुई रहती है और किसी ने खरीदी हुई रहती है, बाद में उन लोग को नहीं चाहिए होती है तो वो लोग इन लोग को बेच देते हैं, और ये लोग यहाँ पे ऐसे बेचते हैं पेंटिंग। ये देखो पूरा लाइन से आप देख सकते हो 10 बाट 20 बाट 50 बाट 20 बाट 25 बाट, तो ऐसी सारी प्राइस में यहाँ पे क्लोथ्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे भी ये मार्केट में आए थे तो यहाँ पे भी कपड़े ही दिख रहे हैं, और थोड़ी बहुत ऐसी डेकोरेटिव आइटम दिख रही है, बाकी उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो हमको यहाँ पे भी नहीं दिखी। वो अंदर एक वो वाले मार्केट में मैंने एक चच्चा को पूछा था तो वो चच्चे बोले कि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, चच्चा ने भी काट दिया हमारा। तो ठीक है, यहाँ पे किसी को पूछते कि वो वाला मार्केट किधर है, क्योंकि मैं भी पहली बार ये मार्केट में आया हूँ तो मेरे को भी मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अभी हम फिर से थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो जैसे ही आगे हम थोड़ा आए तो यहाँ पे भी एक कपड़े का ही मार्केट दिख रहा है। तो काफ़ी सारे मार्केट हैं यहाँ पे यार कपड़े के। ये देखो यहाँ पे तो पूरी ऐसी अलग अलग शॉप भी रखी हुई है, तो यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देखो ये पूरा शूज़ मिल रहे हैं यहाँ पे 199 बाट के, और एकदम ये मेरे को नए ही लग रहे हैं, पुराने तो ऐसे दिख नहीं रहे। देखो शूज़ चप्पल वगैरह बिक रहे हैं, ये पूरा नया स्टॉक ही है यहाँ पे, तो कुछ सेकंड हैंड नहीं है, सब नया ही है। देखो ये थोड़े 590 बाट 550 बाट ऐसे, बाकी तो 150 बाट 199 बाट ऐसे ही है सब। देखो यहाँ पे घर की सारी ऐसी चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये इधर भी पूरा बैग की शॉप है, तो काफ़ी अलग अलग तरीके के बैग मिलते हैं। ये सारे यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर नई चीज़ें ही दिख रही है, तो यहाँ पे कुछ सेकंड हैंड नहीं है, यहाँ पे पूरा नया ही माल है। ये देखो ये पूरा नया ही माल है, पूरी बहुत बड़ी शॉप है पर्स की। देखो फाइनली यहाँ पे ये एक शॉप मिली जहाँ पे सेकंड हैंड में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती है, तो देखते हैं यहाँ से कुछ हमको हमारे लायक दिखता है तो कुछ लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर स्पीकर वगैरह ही दिख रहा है, ये देखो ये सारे स्पीकर वगैरह ही है।
सब स्पीकर और ये सब डीजे की सिस्टम और पुराने वाले वीसीडी डीवीडी वो सारी चीजें ही मिल रही है। देखो यहाँ पे पुराने वाले जो रोल वाले कैमरास आते थे वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे विंटेज चीजों का कलेक्शन करना अच्छा लगता है तो ऐसी सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे सारी सब विंटेज चीजें मिल रही है। तो अगर आपको विंटेज चीजों का शौक है घर में रखने के लिए या तो यूज करने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। कैमरा सब देखो कचरे के माफिक यहाँ पे रखे हुए हैं, कचरे के माफिक बिक रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो है मेंस के लिए दिख रही है, यहाँ पे सारे टी शर्ट वगैरह है, यहाँ पे शर्ट वगैरह है, फिर यहाँ पे पैंट्स वगैरह है। तो फाइनली मेंस के लिए तो टी शर्ट वगैरह दिखा तो सही, नहीं तो ज़्यादातर अभी घूम रहे थे तो ज़्यादातर लड़कियों की चीज़ें ही मिल रही थी। अभी इधर ये मार्केट में थोड़ी चेंज के लिए टी शर्ट वगैरह दिखा हमको। ये देखो ये जो शॉप आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के सब बेल्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको बेल्ट वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। इसकी प्राइस जो है वो अलग अलग है सारे बेल्ट की, तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्राइस है, अलग अलग प्राइस है यहाँ पे। तो बेल्ट वगैरह भी आपको कुछ चाहिए तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वाला नया मार्केट है देख, ये बोल रहा था मैं, ये पहले जो हम लोग गए थे मार्केट में वैसा ही है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग मार्केट आए हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे सॉक्स वगैरह बिक रहे हैं, देख सकते हो 10-10 बाट में। ये पूरी जो शॉप है यहाँ पे कपड़े हैं, ये डिटर्जेंट वगैरह भी ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे स्टिकर वगैरह भी बिक रहा है यहाँ पे। और ये सब लेस वगैरह रहती है जो लड़कियों के जो ड्रेस वगैरह में लगती है वो भी यहाँ पे बिक रही है। ये प्रोफेशनल शूज देखो आप 100-100 बाट में मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम वगैरह मिल रहा है 25 बाट की बोतल आती है। तो कितना बड़ा ये भी मार्केट है। तो पहले वाले हम जो मार्केट में गए थे वो भी ऐसा ही मार्केट था और इतना ही बड़ा था। बाकी ये वापस दूसरे उसके थोड़े आगे है वो वाला मार्केट है। यहाँ पे अंडरवेयर वगैरह भी मिल रहा है, ठीक है, बॉक्सर मिल रहे हैं 100 के 3। और ये जो है वो ये नए वाले हैं, ये सेकंड हैंड नहीं है। वैसा अगर आपको कुछ बॉक्सर वगैरह लेना है तो भी आपको यहाँ पे चीप प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कॉस्मेटिक वगैरह बिक रही है और यहाँ पे भी सब कॉस्मेटिक और क्रीम वगैरह है। ये जो पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे सब कॉस्मेटिक वगैरह ही बिक रहे हैं और वो भी रिजनेबल प्राइस में। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लड़की की सब टी शर्ट वगैरह मिलता है, 100 बाट से स्टार्ट होता है पर पीस 100 बाट और साइज के हिसाब से एस का 100 बाट है, एम का 139 बाट है, एल का 149, फिर प्राइस बढ़ती जाएगी साइज के हिसाब से। देखो पूरी शॉप है टी शर्ट वगैरह की। तो अगर ऐसा कुछ आपको लेना है तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ये ट्रिमर वगैरह हो गया, फिर ये होम अप्लाइंसेस हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही है। उसके अलावा यहाँ पे देखो आईफोन भी बिक रहा है। देखो 800 बाट में यहाँ पे आईफोन बिक रहा है। तो अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आईफोन 4 भी मिल रहा है, लेकिन अभी आईफोन आ गया है तो आईपोड का क्या करेंगे, तो 800 बाट डालना इसमें वर्थ नहीं है। देखो ये रिंग देखो कितना बड़ा डायमंड है यार, इतनी बड़ी रिंग साइज तो किसकी रहेगी। तो ये ऐसे ही सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये देखो ये कितना डरावना लग रहा है, ऐसे डरावनी डरावनी गुड़िया भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स जितनी चीज़ें इधर यहाँ पे मिलती है उतना तो मैंने ऑलमोस्ट आपको ये वीडियो में दिखाई दिया है। उसके अलावा भी मल्टीपल शॉप यहाँ पे आए हुए हैं, कपड़े ज़्यादातर कपड़े वगैरह कई शॉप है। तो अगर आप यहाँ पे बैंकॉक में आते हैं और अगर आपको ये सेकंड हैंड चीज़ें लेना पसंद है या तो इसको एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप ये वाले मार्केट में आ सकते हो। तो चलिए हमने तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।